हेलो दोस्तों, मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सवाल है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, एसपी समाजवादी पार्टी, आप, आम आदमी पार्टी, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो अभी हाल ही में 10 अप्रैल को चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्तें क्या हैं? किन-किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए? तो इसके लिए तीन शर्तें अगर पूरी हो जाती हैं किसी भी पार्टी को, तो उसे चुनाव आयोग राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है। पहला है, कोई पार्टी 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीटें जीत ले। 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में अगर उसे 2% सीटें मिल जाती हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा की कुल 543 सीट है। अगर उस 543 सीट का 2% सीट उसे मिलता है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग दे देगी। याद रहे, एक लोकसभा चुनाव नहीं, कम से एक राज्य में नहीं, कम से कम उसे 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में ये शर्तें पूरी करनी है। अगर ऐसा होता, एक राज्य में अगर होता, तो अब तक समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बन चुकी है। यहाँ पर 23 से ज़्यादा लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, लेकिन आज तक समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक राज्य के लोकसभा चुनाव में जो है 2% से ज़्यादा सीटें प्राप्त की हैं। तो ये शर्तें 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में उसे 2% वोट मिलनी चाहिए। या दूसरी शर्त है, 4 लोकसभा सीटों के अलावा कोई पार्टी अगर लोकसभा में 6% वोट हासिल कर लेती है, चाहे वो एक भी सीट नहीं जीत पाए, अगर उसे 6% वोट मिल जाता है किसी भी पार्टी को, तब भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। या विधानसभा चुनाव में कम से कम उसे 4 या इससे अधिक राज्यों में 6% वोट मिल जाए, तब उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। या तो तीसरा है, कोई पार्टी 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाए। किसी भी पार्टी को अगर 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिले, तब उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। और आम आदमी पार्टी को जो मिला है, उसने ये तीसरा शर्त पूरा कर लिया है, उसने भारत के 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया। वो भारत के कौन कौन से राज्य हैं? दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो 4 राज्यों में जो है क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उसे मान्यता मिली, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दिया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने सीपीआई, टीएमसी और एनसीपी को राष्ट्रीय दलों के रूप में अमान्य कर दिया गया है। एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी की जो पश्चिम बंगाल में सरकार है, पहले ये भी राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन लंबे समय तक इन नियमों का पालन ना कर पाने की वजह से चुनाव आयोग राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लेता है। देश में 3 तरह की पार्टियां हैं, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय पार्टियां। राष्ट्रीय पार्टी कुल 6 है, राज्य स्तरीय पार्टी 35 है और क्षेत्रीय पार्टी लगभग 350 के आसपास है। तो इस समय हिंदुस्तान में कुल 6 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, जिसका चुनाव चिन्ह कमल है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका चुनाव चिन्ह बाली और हंसिया है। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, जिसका चुनाव चिन्ह किताब है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में है पार्टी, जिसकी अध्यक्ष मायावती हैं। बीएसपी, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। कांग्रेस जिसकी स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी,
आम आदमी पार्टी 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।